दोस्तों आज हम ऐसी फिल्म एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है अटैक ऑफ 50 फिट वुमेन। कहानी की शुरुआत में एक लड़की जो कि वीरान रास्ते पर सफर कर रही थी। कहानी की शुरुआत में नैन्सी जो कि शादी से खुश नहीं है वह सेक्रेटरी के पास जाती है। वह वहां से निकलकर सीधा अपने पति के घर जाती है। वह अपने पति को बाहर से चिल्लाती है लेकिन वह नहीं सुनता। उसके पति का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा होता है। नैन्सी रात के अंधेरे में गाड़ी चला रही थी तभी ऊपर से एलियन स्पेसशिप आ जाती है। नैन्सी की गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाती है। एलियन स्पेसशिप लड़की के ऊपर लेजर बीम छोड़ देती है। नैन्सी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, आखिर में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। नैन्सी भागी भागी शेरिफ के पास जाती है और कहती है कि अभी मैंने एक स्पेसशिप देखी और उसने मेरे पर हमला किया, लेकिन उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। शेरिफ उस जगह को देखने के लिए नैन्सी को अपने साथ ले जाता है। एक पुलिस ऑफिसर हैरी को बताती है कि उसकी पत्नी नैन्सी ने UFO देखा है। शेरिफ को इसमें अपना फायदा दिखता है, वो कहता है कि इससे मुझे पैसे मिलेंगे। नैन्सी शेरिफ को वह जगह दिखा रही होती है लेकिन वहाँ पर कोई भी UFO नहीं होता। तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं और उसे वह अपने साथ ले जाते हैं। वह कहते हैं कि तुमने कोई भी स्पेसशिप नहीं देखा, ना ही तुम ऐसा बाहर कहोगी जिससे मेरी इज्जत पर दाग लगे। नैन्सी अपने पति को कहती है कि उसने UFO देखा। अगले दिन नैन्सी साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, वो कहती है कि उसने एक स्पेसशिप देखा। नैन्सी कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है, वो कहती है यस। इसके बाद नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे वहां जाकर सबूत इकट्ठे करने होंगे। वे दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां पर नैन्सी ने स्पेसशिप देखी थी। कुछ समय बाद वहां पर स्पेसशिप आ जाता है। नैन्सी अपने पति से कहती है कि देखा स्पेसशिप सच में है। वे स्पेसशिप के नीचे चली जाती है और स्पेसशिप उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हानि को कुछ छत से आवाज आती है। उसके बाद वो चेक करने के लिए ऊपर चली जाती है। वो नैन्सी से पूछती है कि तुम ऊपर कैसे आई, तब नैन्सी उसे ऊपर की ओर इशारा करती है और वे नीचे गिर जाती है। सभी साइकेट्रिस्ट कहती है कि वे अभी ठीक है, उसे बस आराम की जरूरत है। नैन्सी के पिता कहते हैं कि यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए, इसी कारण वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। इन दोनों के झगड़ने से नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और उसका शरीर फूलने लग जाता है और वे छत तोड़कर ऊपर चली जाती है। सुबह हैरी नैन्सी का इलाज करने के लिए डॉक्टर को बुलाता है। नैन्सी को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। तभी साइकेट्रिस्ट बोलती है कि यह नॉर्मल इंसान की तरह ही है। डॉक्टर उसे ले जाने की बात करता है जिसके कारण नैन्सी इससे गुस्सा हो जाती है। रात में नैन्सी स्विमिंग पूल में नहा रही होती है और वहाँ पर हैरिक भी आ जाता है। नैन्सी कहती है कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। हैरी कहता है कि गुड नाइट नैन्सी, जिससे नैन्सी को गुस्सा आता है। और दूसरी ओर सुबह हैरी का डॉक्टर बड़ा सा इंजेक्शन लेकर आता है, इसमें नींद की दवा होती है। डॉक्टर नैन्सी को कहता है कि इसे लगाने से तुम्हें काफी आराम मिलेगा। नैन्सी उल्टा इंजेक्शन डॉक्टर को लगाने लगती है पर साइकेट्रिस्ट के कहने पर वह इंजेक्शन को दूर फेंक देती है। रात के समय हैरिक नैन्सी के साथ डिनर करने लगता है। नैन्सी कहती है कि यह बहुत रोमांटिक है, हमने लास्ट डिनर कब किया था? देख कि जब से यह मेरे साथ हुआ है हम काफी करीब आ चुके हैं। तुमने ग्लीवर ट्रैवल के बारे में सुना है? मुझे आज ऐसा ही महसूस हो रहा है और मेरी चारों तरफ सब खिलौने लग रहे हैं और अब हम सब साथ रहेंगे, बहुत मजा आएगा। ग्लीवर का प्यार इमेजिन करो। हैरी कहता है कि तुम पागल हो, तुम बीमार हो। इससे नैन्सी को गुस्सा आता है और वह ट्रक को उठाकर फेंक देती है। हैरी कहता है कि तुम बहुत बड़ा सा मजाक हो, तो नैन्सी कहती है कि मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल दूंगी। अचानक वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हैरिक नैन्सी को छोड़कर हनी के पास भाग जाता है। दूसरी तरफ उसके पिता भी अपने काम में बिजी थे, उन दोनों को उसकी कोई परवाह नहीं थी। तब नैन्सी को होश आता है तो वह अपने घर वाले को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। वह सबसे पूछती है कि मेरा घर वाला कहाँ पर है। ये लोग नैन्सी को शांत कराने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वह शांत नहीं रहती और वह जगह जगह हैरी को ढूंढने लगती है। शहर के लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। नैन्सी घर घर जाकर हैरी को ढूंढती है। नैन्सी के पिता को भी उसका पता चल जाता है कि वह शहर में आ चुकी है। आखिर में नैन्सी को हैरी मिल जाता है। हनी उस पर गन चलाती है लेकिन उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। इसी बीच हैरी वहां से भागने की कोशिश करता है। जब हैरी भागने की कोशिश करता है तो नैन्सी उसे कार के साथ ही पकड़ लेती है और उसे कार से बाहर निकालती है। तभी वहां पर पुलिस हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है। वह शहर से भागने की कोशिश करती है। वे सभी भी नैन्सी को देखकर काफी हैरान रह गए थे। रास्ते में बड़े बड़े खंभे आ जाते हैं जिससे नैन्सी रुक जाती है। वहां पर उसके पिता भी आ जाते हैं। नैन्सी के पिता उसका साथ देने की जगह कहते हैं कि इनके सामने मेरी बेइज्जती करना बंद करो। वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। नैन्सी के पिता पुलिस को कहते हैं कि तुम्हारे पास गन है, कुछ करो। शेरिफ कहता है कि कोई फायर नहीं कहेगा जब तक मैं ना कहूँ फायर। इन लोगों को लगता है कि शेरिफ ने फायर कह दिया है, इसलिए वे नैन्सी पर फायर करने लगते हैं जिससे नैन्सी बिजली की तारों पर गिर जाती है। तारों पर गिरते ही उसे करंट लग जाता है। वहां पर एलियन स्पेसशिप आती है और नैन्सी को अपने साथ ले जाती है। नैन्सी के साथ साथ हैरिक को भी एलियन स्पेसशिप अपने साथ ले जाती है। हैरिक को स्पेसशिप में बंदी बना लिया जाता है। तभी नैन्सी वहां पर आकर कहती है कि अब औरतों का राज चलेगा और सब यूनिवर्स में ऐसा ही होगा, तुम यहां से नहीं भाग सकते। आखिर में दिखाया जाता है कि ये सब एलियन